सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अती उन्हां दे मंत्रियां दे वल्लों आए दिन ही कोई ना कोई नवां ऐलान करके ये साबित करन दी कोशिश कीती जांदी है कि उन्हां दी सरकार रवायती पार्टियां दीआं सरकारां दे नालों बेहतर है। उधर दूजे पासे कानून व्यवस्था नूं लै के सब तों ज़्यादा माड़े हालात पंजाब दे विच इस वेले बणदे दिखाई दिंदे ने। अते गृह मंत्री होण दे नाते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान हुण कसूते किरदे भी दिखाई दिंदे ने। बीते 24 घंटियां दे विच इकल्ले अमृतसर दे विचों ही दो अजिहियां घटनावां सामने आ गईयां जिन्हां ने कि पंजाब दी कानून व्यवस्था ते वड्डे सवालिया चिन्ह ला दिते। अमृतसर दे विच आम आदमी पार्टी दी ही कौंसलर दे पुत्तर दे वल्लों पुलिस दी मौजूदगी दे विच दिन दिहाड़े सड़क ते एक व्यक्ति दा गोलियां मार के कतल कर दिता, जिस तों बाद पीड़ित धिर दे वल्लों सारा कसूर इत्थे प्रशासन दा कढ़िया जा रहा है। ये जिहड़ी अज घटना होई आ इहदी सिद्धी सिद्धी जिम्मेवारी प्रशासन दी आ। मौके दे पुलिस मौजूद सीगी। इस मसले दे संबंध विच 500 दरखास्तां आला अफसरां नूं ते जिहड़े स्थानक जिहड़े अफसर ने उन्हां नूं दे चुके हैं, पर किसी अफसर के कान से अज तक जू नहीं सरकी। हमेशा वो जिहड़े अफसर ने जां जो सैटिंग करके उत्थे आउंदे ने जां इन्हां नूं जराब जाने की करके उत्थे आउंदे ने, ये हमेशा आगे बंदा गुंडागर्दी करदा। अज इन्हें इत्थों तक गुंडागर्दी कीती ने, सिद्धियां गोलियां जिहड़ियां पुलिस की मौजूदगी दे विच चलाईयां, पुलिस ने हत्थ नहीं रोकिया। दूजे पासे तड़कसार गोलियां मार के एक होर व्यक्ति नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। जानकारी दे मुताबिक 12-13 दिन पहलां दुबई तो एक व्यक्ति अपने घर अमृतसर आया सी। सवेरे तड़के 3:30 बजे के करीब पौने 4 बजे के करीब श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकन अपने परिवारक मैंबरां दे नाल जा रहा सी। नाल उसकी पत्नी अते दो बेटियां सन। राह दे विच लुटेरियां दे वल्लों घेर लिया गया अते विरोध करन ते उस व्यक्ति का गोलियां मार के कतल लुटेरियां दे वल्लों कर दिता गया। हुण पीड़ित परिवार दे वल्लों इत्थे इंसाफ की मंग की जा रही है। हरिमंदर साहब चले सीगे पौने के 4 बजे घरों निकले आ। उन्होंने छवे जाने के दो बेटियां उन्होंने दिया, एक मतलब वाइफ उन्होंने। अभी तो सुते सू तो पता नहीं भाजी कि निकले घरों, तो जो मतलब इस तरह कि राह हुए आए तो उतों कोई लागू ही कोई बंदा आया है कि घर दसन बाहर निकले, तो वो कहता भी ता मतलब इस तरह गए आ तो हरिमंदर साहब सू पता नहीं सुते मैं नहीं आडे नहीं गए डैडी कहें भी गए हरिंदरों नहीं गए आ, तो वह कहें भी गए तो कहते भी इस तरह उन्होंने ना बंदे पै गए तो उन्होंने सट्टा लग गई वा तो वह ता वीर मुक गया वा। जेकर हुण पंजाब वर्गे सूबे दे विच लुटेरियां दे वल्लों घेर घेर के लोकां नूं गोलियां मार के मारिया जाएगा तां फिर सरकार ते सवाल तां उठणगे ही, क्योंकि पंजाब दे विच बहुत देर बाद अजिहे हालात बने ने कि राह दे विच घेर के लुटेरियां दे वल्लों लुट भी लिया जांदा है अते जेकर तुसीं विरोध करदे हो तां गोलियां मार के मौत दे घाट भी उतार दिता जाता है अते पुलिस का कोई भी खौफ इन्हां लुटेरियां नूं अते कातलां नूं बिल्कुल नहीं रह गया है। आम आदमी पार्टी की कौंसलर दे पुत्तर दे वल्लों तां सीधे तौर पर पुलिस की मौजूदगी दे विच चिट्टे दिन सड़क के उपर ही व्यक्ति का गोलियां मार के कतल कर दिता गया अते पुलिस का कोई भी खौफ इस वेले पूरे पंजाब दे विच वेखण नूं नहीं मिल रहा है। अते इस तों बाद हुण विरोधी पार्टियां ने मान सरकार नूं घेरे दे विच लैणा शुरू कर दिता है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गल की जाए तो वह कहिंदे ने कि मैनूं डर है जिहो जिहे हालात पंजाब दे विच बणदे जांदे ने किते माड़ा दौर वापस ना आ जावे। पंजाब दी जो अमन कानून दी हालात हन वह भी दिन ब दिन विगड़दे जा रहे, रोजाना निहत्थे नौजवानों नूं मार दिता जा रहा है। मैनू तां इह डर सता रहा कि किते दोबारा 84 ना बन जाए, किते दोबारा फिर वह काले दिन बुरे दिन पंजाब ते ना आ जाण। जिस प्रकार दीआं गल्लां हो रही हैं
और सरकार का किसी चीज़ से कोई कंट्रोल नहीं। सर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं पंजाब के, सीएम ने वो हिमाचल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हो? क्योंकि सीएम ने पंजाब का लुट लिया है इन्हों दोनों लोगों ने, केजरीवाल साहब ने और भगवंत मान साहब ने पंजाब को तो लुट लिया। हुण इन्हां नूं पंजाब दी कोई फिक्र नहीं है, इन्हां दे मन दे विच इह इच्छा है वी किवें ना किवें झूठ तूफान बोल के असी हिमाचल ते गुजरात दे अंदर आपदा कब्जा कर लिए, इन्हां नूं हुण पंजाब दी कोई याद नहीं आ रही। राजा वड़िंग तो इलावा एक होर कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह दे वल्लों भी कानून व्यवस्था नूं लैके सवाल चुक दिते गए ने। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते एक पोस्ट पाई है जिस दे विच उन्होंने अमृतसर वाली घटना का जिक्र कर दिता है। लिखते ने, अमृतसर विच आप कौंसलर दे पुत्र ने पुलिस की मौजूदगी विच मारियां गोलियां, एक दी मौत एक गंभीर, हर रोज़ गोलियां चल दियां हन, शरेआम रोज़ कतल हो रहे हन, कानून की स्थिति माड़ी है ते साडे मुख्यमंत्री नूं केजरीवाल साहब हिमाचल लई फिरदे हन, पंजाब दे लोक यकीनन इहो जिहा बदला नहीं चाहते सन, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव तो पहला बदलाव का नारा दिता सी कि पंजाब दे विच असी बदलाव लिया देंगे जेकर तुसी साड़ी सरकार बनाउंदे हो। पर ज्यों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनी, इको दम अजिहियां घटनावां दी जिवें हनेरी आ गई, लुट्टां खूहां होण लग पईआं, गैंगवारां होण लग पईआं, शरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के पुलिस के सामने कतल कीते जाण लग पए। बीते दिनी खबर सामने आई कि बटाला दे विच तां गैंगस्टरां दे वल्लों पुलिस ते ही जानलेवा हमला कर दिता गया, गोलियां चला दित्तियां गईआं। मानसा दे विच पुलिस वालियां दी सुरक्षा भी वधाउणी पै गई क्योंकि गैंगस्टरां दे वल्लों पुलिस वालियां नूं भी धमकियां मिलन लग पईआं सन। हुण दूजे पासे जेकर गल श्रोमणी अकाली दल दी कीती जावे तां श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी माण सरकार दी कारगुजारी ते सवाल चुक दिते ने। उन्होंने भी एक पोस्ट पाई है जिस दे विच ओह माण सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा करदे दिखाई दिंदे ने। लिखदे ने, एक समय देश के दे सब तो खुशहाल सूबे नूं अज कतलां गैंगवारां धार्मिक टकरा अते मुकम्मल बदअमनी का शिकार होया देख बहुत दुख लगता है। ये हालात सूबे अंदर निवेश के नाल नाल वक्खो वक्ख खेत्रां नाल जुड़ी प्रतिभा नूं आकर्षित करन दी योग्यता लई भी घातक साबित होणगे। भगवंत मान जी, बदलाव के नाँ ते पंजाबियां ने घट्टो घट्ट ये सब कुछ तो नहीं मंगिया सी। सुखबीर बादल ने भी बदलाव का मीणा ही मार दिता है। सुखबीर बादल ने भी कहा है कि जिहड़े बदलाव की तुसीं गल करदे सी, पंजाबियां ने इहो जिहा बदलाव तां नहीं मंगिया सी तुहाडे कोलों, क्योंकि बदलाव पंजाब दे विच इह आया है कि लगातार सुखबीर बादल कहिंदे ने कि बदलाव इह आया है कि कतल वधदे जांदे ने, गैंगवारां वधदियां जांदियां ने, जिस दे नाल पंजाब दे विच निवेश करन लई कोई नहीं आएगा, इस तरह आर्थिक तौर पर भी पंजाब का नुकसान होएगा, बद अमनी पंजाब दे विच फैली हुई है। सुखबीर सिंह बादल दी पत्नी साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी एक फेसबुक पोस्ट पा दिती है जिस दे विच ओह भी लिखते ने, पंजाब दी लगातार निग्गर दी अमन कानून व्यवस्था कारण सूबा वासी सहम दे साए विच जीउण लई मजबूर हन, नित हुंदियां लुट्टां खूहां, नशे की दलदल विच फसे नौजवानों के साह सूत दियां नशे वालियां सूईयां, गैंगवारां सरकार तो बेआस होए अन्नदातियां दियां नित दियां खुदकुशियां ने पंजाब नूं हौकियां ते अथरुआं दे हनेरे च तक्कण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। बदलाव दे दावे करन वाली आप सरकार दी कारगुजारी हर फ्रंट उत्ते जनतक आसा मुताबक ना हो के पंजाब विरोधी साबित होई है। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों भी इत्थे बदलाव दी गल कर दित्ती गई है। लगभग सारे ही विरोधी धरां दे लीडर बदलाव नूं लै के माण सरकार नूं ताना मार दिंदे ने क्योंकि बदलाव दा होका दे के ही आम आदमी पार्टी दी सरकार पंजाब दे विच बनी सी, पर पंजाब दे ये हालात वेख के हुण विरोधी पार्टियां दे वल्लों बदलाव दे नां ते ही माण सरकार नूं घेरिया जाण लग पिया है। माण सरकार कहिंदी है कि असीं अजे हुणे आए हां, इह सारा ताना बाणिया पिछलियां जिहड़ियां सरकार सन उन्होंने विगाड़िया होया है, पर सारे एक गल कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मेनटेन करना तो मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी होंगी है,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।